भारत अनेक कला, हस्तकला और कुटीर उद्योगों का देश। हमारे देश में कला शिल्प की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है, जिसमें अपनी कारीगरी को पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपने का प्रचलन है। भारत में प्राचीन काल से भजन, गायन और संगीत की परंपरा रही है, जिसमें लकड़ी से बना ये तंबूरा या तमूरा उपयोग में लाया जाता है। तुम्बा शब्द के प्रचलन से इस वाद्य यंत्र का संबोधन तंबूरा अस्तित्व में आया होगा। आपने किसी साधु या पीर फकीर के हाथ में एक खास किस्म का बर्तन तो देखा ही होगा। ये बर्तन बनता है तुम्बा से। तुम्बा को तुमा या तुम्ब भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में तुम्बा लोकी को कहा जाता है। लोकी तो हम सभी ने देखी है और इसका स्वाद भी लिया है, पर क्या आपने कभी तुम्बा कारीगरी देखी है? नहीं देखी? कोई बात नहीं, हम आपको लिए चलते हैं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल के आर्ट रिसोर्स सेंटर में, जहां छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोक कलाकारों ने तुम्बा यानी लोकी को हस्तकला का रूप दिया है। इस शैली के हस्तकलाकार आमतौर पर लोकी या कद्दू को अपने सामान्य आकार में आने तक विकसित होने देते हैं। कलाकार इसे साल भर या उससे भी अधिक समय तक छायादार छज्जे या घने पेड़ों पर सुखाते हैं। इसकी ऊपरी सतह को नम बनाने के लिए इसे रात भर पानी से भिगाकर रखा जाता है। जैसा उसको रखेंगे, फिर उस गर्म पानी और ठंडा पानी में रात भर भिगा देंगे। इसको रात भर भिगा देंगे तो वो भीग जाएगा। उसके बाद चाकू इसका पूरा छिलका साफ कर देंगे। साफ कर देंगे तो ऐसे नेचुरल एकदम कलर आ जाता है, पीला कलर आ जाता है। उसके बाद फिर सुखा देते हैं। क्योंकि इस फल को एक पात्र का रूप देना होता है, इसलिए सूखी लौकी को खोखला करने के लिए किसी नोकदार औजार से इसके अंदर के मुलायम भाग को और इसके बीजों को निकाल दिया जाता है। अब बारी आती है सधे हुए हाथों से इस पर सुंदर सुंदर कलाकृतियों को उकेरने की। कलाकार के द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि तुम्बा के प्राकृतिक आकार में छिपी कलाकृति को उजागर किया जाए। यह कार्य किसी तुम्बा या लोकी को कलाकृति के तौर पर आकार देने का एक निर्णायक समय है। इसके लिए खास किस्म के नुकीले और धारदार औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। शिल्पकार इन्हें तपती भट्टी में गर्म करते हैं और इस पर अपने पारंपरिक चित्रांकन और पैटर्न को उभारते हैं। तुम्बा का यही कुदरती आकार पशु, पक्षी, लैंप और दूसरे खेल खिलौनों के स्वरूप में हमारे सामने आता है, जो देखने वाले को हैरत में डाल देता है। तुम्बा कारीगरी काष्ठ शिल्प से अलग छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोक कलाकारों की बिल्कुल नए कलेवर की शैली है, जिसमें इन्होंने इस पात्र को गृह उपयोगी सामग्री के साथ कलाकृति के रूप में तराशने का हुनर विकसित किया है। नई शिक्षा नीति 2020 में प्राचीन खेल खिलौनों को शिक्षा के सोपान से जोड़ने पर बल दिया गया है। तुम्बा कारीगरी इस आयाम से महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे संस्थान में 700 से ज़्यादा छात्र छात्राएं पूरे
भारत देश से यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, और साथ ही हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, हमारी फैकल्टी हैं, हमारे स्कूल हैं, हमारा पूरा कैंपस के लोग भी आके वहाँ उनके साथ रह के उन्होंने काम किया। तो हमारे हमारे बच्चों को भी, हमारे जो छात्रों को भी एक तरह का कार्यानुभव होता है कि किस तरह से ये कला का विकास होता है, किस तरह से ये कला कारीगरी होती है। तो ये जो एक इसे हम स्टार्टअप भी कहते हैं कि हमारे छात्रों के लिए तो ये एक पूरा पूरा नवाचार है, उनके लिए नवीनता है, क्योंकि आज तक उन्होंने उस तरह का आर्ट पिक्चर्स में इंटरनेट पर देखा होगा या न्यूज़ में चैनल में देखा होगा, लेकिन बनाते हुए, जिसे हम कार्य कौशल कहते हैं, बनाते हुए पहली बार देखा, तो वो जो आनंद होता है वो अद्भुत होता है। तन्मय भाव से काम कर रहे कारीगरों और छात्र छात्राओं को देखकर लगता है कि हमारी समृद्ध हस्तकलाओं को सहेजना कितना आवश्यक है। वैक्स पॉलिश या वार्निश से चमचमाती इन कलाकृतियों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारे जीवन में प्लास्टिक नहीं थी तो दैनिक दिनचर्या में इसी तरह के प्राकृतिक विकल्पों से हमारा कामकाज चलता था। तुम्बा कारीगरी व्यावसायिक रूप से पुनः हमें पर्यावरण हितेशी लोकाचार का भान कराती है। Thank you.